रोजाना ताजा खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, दबाइए इस घंटी के बटन को, पाएं लेटेस्ट खबरें सबसे पहले। ड्यूटी के दौरान हीट स्ट्रोक से सिक्योरिटी गार्ड की तड़प तड़प कर मौत, फरीदाबाद नेल राठी। एक कंपनी के सुरक्षा कर्मी की ड्यूटी के दौरान हीट स्ट्रोक से तड़प तड़प कर मौत हो गई। मृतक सुरक्षा कर्मी पिछले 36 घंटों से लगातार ड्यूटी दे रहा था। भीषण गर्मी के चलते सुरक्षा कर्मी को हीट स्ट्रोक हो गया, जिसको सही समय पर इलाज न मिलने के कारण उसकी मौत हो गई। मृतक फरीदाबाद के सेक्टर 59 स्थिति ECTL कंपनी में तैनात था। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर आगे की कार्यवाही शुरू कर दी है। जानकारी के मुताबिक मृतक देश की मशहूर सिक्योरिटी कंपनी में सिक्योरिटी गार्ड के रूप में पिछले 25 सालों से अपनी सेवाएं दे रहा था, जो मरने से पहले फरीदाबाद की ECTL कंपनी में तैनात था। यहां भीषण गर्मी के चलते हीट स्ट्रोक की शिकायत हुई और उपचार न होने के कारण तड़प तड़प कर उसकी मौत हो गई। मृतक के भतीजे रामेंद्र ने बताया कि उनके चाचा 30 मिनट तक वहीं तड़पते रहे। जिस कंपनी में मृतक हरीश चंद्र तैनात था, उस कंपनी में सुरक्षा के कोई भी इंतजाम नहीं थे। जिस जगह पर उनके चाचा को ड्यूटी पर लगाया गया था, वहां पर ना तो धूप से बचने के लिए और ना ही उचित पीने के पानी की व्यवस्था देखने को मिली। वहीं इस मामले में जब जांच अधिकारी ने बताया कि शुरुआती जांच में यह मामला हीट स्ट्रोक का लग रहा है कि, लेकिन पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद ही साफ हो पाएगा कि किन कारणों के चलते ही सुरक्षा कर्मी की मौत हुई है।